जिंदगी में कामयाब होने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप और कैरियर। ये चारों चीजें जब तक इंसान अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो जिंदगी में कामयाब और खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार नहीं सकता। लेकिन ये चारों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक चीज की भी कमी रह जाएगी तो इंसान जो है वो कामयाब जिंदगी बसर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास बैंक बैलेंस, पैसा, माल और दौलत तो बहुत है, लेकिन उसको कैंसर हो जाए तो फिर वो पैसा, वो कैरियर, वो किस काम का? एक दूसरे शख्स के पास बैंक बैलेंस, हेल्थ और कैरियर तो है, लेकिन उसके साथ किसी रिश्तेदार की नहीं बनती, उसके अपने भाई बहन आम बाप उससे दूर हो जाएं, तो वो कामयाबी भी उसके किसी काम की नहीं होगी। इसी तरह एक शख्स दुनिया में तो कामयाब हो जाए लेकिन कि आखिरत वो बर्बाद हो जाए और उसमें वो नाकाम हो जाए, तो फिर भी उसकी ये कामयाबी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि कामयाब इंसान वो होगा जिसकी चारों चीजें जो है वो उनमें वो सक्सेसफुल इंसान होगा। जैसे हेल्थ, बंदे को हेल्दी होना भी जरूरी है, उसकी ईमान मजबूत होना भी जरूरी है, अल्लाह ताला के साथ एक राबता होना भी जरूरी है, इसके साथ साथ उसके रिश्ते मजबूत होना भी जरूरी है, ताकि उसके दुख सुख में भी कोई शरीक होने वाला हो, और आखिर उसके पास एक अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए मालो दौलत का होना भी जरूरी है। और मालो दौलत से यानी रिज्क जो है वो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अच्छे दोस्त भी एक किस्म का रिस्क होते हैं। आपके बारे में दूसरे लोगों का गुमान जो है वो भी एक रिस्क की किस्म है। इसी तरह आपका एतबार जो है, ट्रस्ट जो है, वो भी आपके रिस्क की एक किस्म है। अच्छा, लोग किसके साथ जुड़ेंगे, आप रिलेशनशिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं? हमेशा लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जो बंदा जो है जिंदगी से भरपूर होगा, जो अंदर से खुश होगा। कभी भी कोई भी किसी के साथ ऐसे शख्स के साथ नहीं जुड़ना पसंद करेगा जो हर वक्त रोता धोता रहता होगा। इसी तरह कैरियर भी उस शख्स का कामयाब होगा जो शख्स अपने काम से कमिटेड होगा, जो जो कमिटमेंट कर लेता हो उस पर पूरा उतरता होगा, तो उस शख्स पर ही एतमाद किया जा सकेगा और लोग उसी को पैसा अपना हैंड ओवर करना ही पसंद करेंगे, और उस पर ट्रस्ट, जिस पर उसको ट्रस्ट होगा तो वही कामयाब होगा। इसलिए आप जब अगर कैरियर में कामयाबी चाहते हैं तो आपका दर्जन 12 की बजाय दर्जन 13 होना चाहिए, यानी दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। हमारी नाकामी की वजह यह होती है कि हमारा दर्जन 12 की बजाय दर्जन 11 होता है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा कुछ अपनी कमिटमेंट से भी एक्स्ट्रा कर दें, और वही थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होता है वही हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है।